कि मोदी ने क्या मकबूजा कश्मीर छीन लिया है। पहले हमारा कश्मीर पे पॉलिसी क्या होता था, पहले पाकिस्तान का पॉलिसी होता था कि अब श्रीनगर कैसे लेंगे। अब खान की बात, इमरान की नाकामी के बाद, सिलेक्टेड की वजह से, इनकी नाकामी की वजह से, इनकी ग्रीड की वजह से पाकिस्तान का क्या पोजिशन है कि हम मुजफ्फराबाद को कैसे बचाएंगे। ये आज पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की पोजिशन है। नमस्ते, मैं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। सऊदी अरब ने एक बड़ा फैसला लेकर जहां पाकिस्तान में गधैया नर्तक का जश्न मीठा कर दिया है, वहीं भारत को सोचने पर मजबूर किया है कि लबादे और टोपी में कोई फर्क नहीं होता। आज सऊदी ने कश्मीर पर ओआईसी के विदेश मंत्रियों की बैठक बुलाने का संकेत दिया है, जिससे पाक में तो बकरी कुदान बढ़ा है लेकिन भारत और इस खाड़ी देश के संबंधों में खटास बढ़ने की आशंका भी प्रबल हो गई है, क्योंकि सऊदी अरब लंबे समय से कश्मीर पर भारत के स्टैंड पर तटस्थ बना हुआ था, परंतु अब पाक पीएम इमरान खान के कुआलालंपुर दौरे को रोककर उसने ओआईसी के माध्यम से उसके मंसूबे पूरे करने का मन बना लिया है। इसका मतलब यह है कि ये दोनों ही मुल्क एक दूसरे के साथ एक तीर से दो शिकार की पटकथा तैयार कर रहे हैं। पर सवाल यह है कि पाकिस्तान की इस नौटंकी से भारत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन कभी भारत के पक्ष में नहीं रहा, उसने सदैव पाकिस्तान के हितों की बात की है। ऐसे में अगर ओआईसी कश्मीर पर कोई प्रस्ताव पेश करती है तो भारत के लिए वह कूड़े के समान है। बड़ी बात यह है कि भारत ओआईसी का सदस्य भी नहीं है। ओआईसी की स्थापना मोरक्को के रबात में 25 सितंबर 1969 को हुए ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन के बाद एक अंतरराष्ट्रीय संगठन के रूप में हुई थी। ओआईसी संयुक्त राष्ट्र के बाद दूसरा अंतर सरकारी संगठन है, जिसमें 57 मुस्लिम सदस्य देश हैं। भारत ने मार्च 2019 में पहली बार गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लिया था, जिससे नाराज होकर पाकिस्तान इस बैठक में शामिल नहीं हो पाया था और पूरे समारोह के दौरान उसकी कुर्सी खाली पड़ी रही थी। अब लगता यूं है कि पाकिस्तान अपनी पैतरेबाजी से फिर से ओआईसी के माध्यम से भारत पर दबाव बनाने की उम्मीद जगा रहा है, पर यह सब उसके ख्वाब ही रह जाने हैं। हालांकि ओआईसी का रुख सदैव पाकिस्तान के पक्ष में ही रहा है, लेकिन 1971 और 1998 के करगिल संघर्ष के बाद भी ओआईसी भारत का बाल तक नहीं उखाड़ पाई और केवल लबादे लहराकर रह गई। दरअसल ओआईसी खुद भारत के मामले में इससे ज्यादा बकरी कुदान करने का साहस जुटा भी नहीं सकती। इस संगठन के सदस्य देशों के साथ वर्तमान में भारत का 1,63,000 करोड़ का व्यापार है, साथ ही इन देशों में 1,20,00,000 भारतीय भी रहते हैं। इस वजह से ओआईसी में भारत के खिलाफ पेश होने वाले प्रस्तावों में मतभेद रहता है। फिर यदि कोई प्रस्ताव पेश भी होता है तो वह सलाह के या आगाह के तौर पर दिया जाता है। अगर भारत नहीं भी माने तो ना तो यह देश भारत पर किसी प्रकार चढ़ाई कर सकते हैं और ना आर्थिक प्रतिबंध लगाने के लायक है, क्योंकि भारत इन्हें निर्यात बहुत कम जबकि आयात ज्यादा करता है। कई मुस्लिम देशों की जीडीपी भारत को निर्यात पर ही टिकी हुई है। ऐसे में ओआईसी कभी भारत के खिलाफ जोखिम नहीं ले पाई, जबकि पाकिस्तान का महत्व ओआईसी में इसलिए है कि वह मुस्लिम आबादी वाला सबसे बड़ा सदस्य देश होने के साथ कथित परमाणु संपन्न मुल्क है। मगर दिक्कत यह है कि वह इस्लामिक देशों में सबसे बड़ा भिखारी देश भी है। पाकिस्तान ने कुआलालंपुर शिखर सम्मेलन के आयोजन की तैयारी में बड़ी भूमिका निभाई थी, पर सऊदी अरब द्वारा आर्थिक प्रतिबंध की धमकी लगाने के चलते वह उसमें शामिल नहीं हो सका। लेकिन उसकी एक शर्त सऊदी को भी माननी पड़ी, यानी पाकिस्तान जो कार्य कुआलालंपुर में करना चाहता था, सऊदी को ओआईसी की बैठक आहूत करके करना है। मतलब कश्मीर पर भारत को विचलित करने के लिए अब पाकिस्तान किसी तरह कोई प्रस्ताव पास करवा कर एक बार फिर से गधैया नृत्य करने की फिराक में है। लेकिन इमरान लोंडे की समस्या यह है कि वह ऐसे कदमों से पाकिस्तानी जनता का ध्यान तो हटा सकते हैं, पर भारत को ओआईसी के किसी फैसले को मानने को बाध्य नहीं कर सकते। खास बात यह है कि भारत ने मोदी सरकार के कार्यकाल से जिस प्रकार खाड़ी देशों पर निर्भरता कम करने की प्लानिंग पर काम किया है, उससे इन देशों में पहले से ही बेचैनी बढ़ी हुई है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि खाड़ी देशों की आय का प्रमुख स्रोत पेट्रोलियम पदार्थ है,
भारत और चीन जैसी बड़ी आबादी वाले मुल्क इन देशों से कच्चा तेल भारी मात्रा में आयात करते हैं, लेकिन मोदी सरकार ने देश में सोलर ऊर्जा और प्रदूषण रहित इलेक्ट्रिक वाहनों पर भारी सब्सिडी की स्कीम चलाकर खाड़ी देशों की चिंताएं बढ़ा दी है। ऐसा अनुमान है कि वर्ष 2030 तक डीजल और पेट्रोल चलित वाहनों की संख्या केवल 10% रह जाएगी। इस वक्त देश की कच्चे तेल पर निर्भरता 84% के करीब है, जबकि मोदी सरकार ने 2030 तक कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता 50% तक लाने का लक्ष्य रखा है। चौंकाने वाली बात यह है कि कच्चे तेल के आयात पर भारत ने वर्ष 2018-19 में 111 अरब 90 करोड़ डॉलर खर्च किए, यानी इतनी विशाल रकम से पाकिस्तान जैसे देश की अर्थव्यवस्था हवा में उड़ सकती है। भारत द्वारा खाड़ी देशों से किया जाने वाला यही आयात उनके मुंह पर पट्टी बांध देता है। मजे की बात यह है कि भारत और चीन दोनों मिलकर अब पेट्रोलियम पदार्थों पर निर्भरता कम करने के लिए कदम बढ़ा रहे हैं। संभवतः खाड़ी देश भी इस बात से परिचित हैं, इसलिए भविष्य के लिए वे भारत में अपना निवेश बढ़ा रहे हैं। इसकी एक दूसरी वजह यह भी है कि जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर दुनिया जिस तरह से गंभीर हो रही है, उससे आने वाले वक्त में पेट्रोलियम उत्पाद की मांग गिरने की संभावना बढ़ गई है, क्योंकि पेट्रोलियम पदार्थ प्रदूषण बढ़ाने के सबसे बड़े कारक हैं। इस्लामिक सहयोग संगठन ले देकर चाय पानी वाले नाश्ते की महफिल बनता जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान जैसा भिखारी मुल्क बिरयानी की तलाश कर रहा है। उल्टा ओआईसी को पहले ही लेने के देने पड़े हैं। ओआईसी किसी भी तरह से भारत से अपने संबंध बिगाड़कर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मारना चाहती है, पर वह पाकिस्तान को नाराज करने का जोखिम भी नहीं उठा सकती, क्योंकि पाकिस्तान ने ओआईसी के सदस्य देशों को जो परमाणु प्याला पिलाया हुआ है, यह इनकी टोपियों और बड़े बड़े लबादों को लहराने के अवसर देता रहता है। पर इसके बावजूद भी इनमें भारत को लेकर आपसी फूट गाहे बगाहे सामने आती रहती है। दरअसल ओआईसी का एक बड़ा धड़ा पाकिस्तान की सोच के विपरीत इस विषय पर ज्यादा प्रयास कर रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच किसी तरह का संघर्ष पैदा नहीं हो। वे पाकिस्तान के साथ खड़े होकर उस संघर्ष को रोकने की संभावना पर काम कर रहे हैं। इन मुल्कों को आभास है कि लोकतांत्रिक देश भारत अनुशासित होने के साथ साथ एक बड़ा बाजार भी बन रहा है। ऐसे में भारत अपनी तरफ से कभी पाकिस्तान पर कोई उकसावे वाली पहल नहीं करेगा, जबकि पाकिस्तान के टोपी बाजार की हालत खराब है। यहां शांति और अहिंसा जैसे विचारों का महत्व बकरीद आते आते गौण हो जाता है। 1971 और 1998 कारगिल संघर्ष के दौरान भी ओआईसी के खाड़ी देशों ने मौखिक रूप से लबादे जरूर फाड़े थे, परंतु उससे अधिक उन्होंने पाकिस्तान को ज्यादा सहयोग नहीं दिया, जबकि तब के इंडिया और आज के भारत में जमीन आसमान का अंतर है। मगर इसके बावजूद रियाद और नई दिल्ली के रिश्ते में सऊदी के इस प्रयास को नकारात्मक रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में भारत और सऊदी अरब के बीच रणनीतिक साझेदारी काफी बढ़ी है। वहीं पाकिस्तान को लग रहा था कि कश्मीर मुद्दे पर उसे किसी भी इस्लामिक देश का समर्थन नहीं मिल रहा है, लेकिन अब पाकिस्तान इस बैठक को एक समर्थन के रूप में मान रहा है। पर असलियत यह भी है कि मोदी सरकार के 5 अगस्त के फैसले को पलटना अब दुनिया की किसी शक्ति के वश की बात नहीं है। ऐसे में पाकिस्तान की नौटंकी केवल गधैया नृत्य तक ही सीमित रह जानी है। खास बात यह है कि ओआईसी की बैठक का आयोजन करके सऊदी भी ऐसा कोई जोखिम शायद ही ले जिससे भारत के साथ उसके मजबूत रिश्तों में कोई दरार पैदा हो। सऊदी इस वक्त भारत में 20 अरब डॉलर के निवेश पर काम कर रहा है। केवल पाकिस्तान की हरकतों का आंख मूंद कर समर्थन करना उसके लिए घाटे का सौदा हो सकता है। भारत को नजरअंदाज करने की हिम्मत उसके पास नहीं है। ऐसे में ओआईसी के मंच से पाकिस्तान को केवल एक ऐसा लॉलीपॉप दिया जाएगा जिसे मुंह में लगाकर वे मदरसों की दीवारों पर छलांग लगाती हुई बकरी के पोस्टर चस्पा कर सके। यह बात ओआईसी और जेद्दा में मौजूद उसके मुख्यालय के प्रत्येक व्यक्ति को मालूम है कि भारत में ओआईसी को केवल टोपी बाजों की मटरगश्ती का कमरा समझा जाता है, जिसे भारत कभी भी कोई अहमियत नहीं देता है। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।